पर बैठे हुए सभी सहयोगी मित्र, नागरिक बंधुओं, प्रतिनिधि मित्रों, दो प्रस्तावों के बीच में खड़ा होना तो कुछ समझ में आ सकता था, लेकिन एक प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में अध्यक्ष जी ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं उनका आभारी हूं। लेकिन इस भार का निर्वाह मैं कैसे करूं, यह समझने में कुछ कठिनाई हो रही है। कल मैं नहीं रह सकूंगा, मुझे खेद है। इसलिए कल समारोह के कार्यक्रम में कर्नाटक के मित्रों को अधिवेशन का इतना अच्छा प्रबंध करने के लिए जो बधाई दी जाने वाली है, उसमें मैं अभी से अपना स्वर मिला रहा हूं। अधिवेशन व्यवस्थित है, स्वच्छतामय है, सुरुचिपूर्ण है और थोड़ी धूमधाम के साथ प्रभाव पैदा करने वाला है। इस दृष्टि से तो अधिवेशन महत्वपूर्ण है ही कि हम यहां राष्ट्रीय परिषद के रूप में एकत्र हुए हैं। और इस राष्ट्रीय परिषद में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अपना कार्यभार श्री लालकृष्ण जी आडवाणी को सौंपा है। कल का दृश्य आपने देखा होगा, आज समाचार पत्रों में उसका एक फोटो छपा है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी दायित्व सौंप रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है। आडवाणी जी को जरूरत से ज्यादा गंभीर लग रहे हैं, शायद, और शायद ही क्यों, निश्चित रूप से नए दायित्व की गंभीरता को समझ रहे हैं। कुछ भाव विवल से भी नजर आते हैं। डॉक्टर जोशी ने कार्यभार सौंपते हुए जो कुछ कहा, त्वदीय वस्तु गोविंदम, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुम्हें मैं समर्पित समर्पयेत, या संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, मैं गलती करूं तो बता दीजिए, चलेगा? यज्ञ जी कह रहे हैं चलाते जाओ। डॉक्टर जोशी ने जो कुछ कहा उसके बाद इन भ्रमों का निराकरण हो जाना चाहिए। अगर कहीं थोड़े बहुत भ्रम विद्यमान थे कि जो अध्यक्ष का परिवर्तन हुआ है इसको लेकर कुछ पार्टी में विवाद था, डॉक्टर जोशी के कंधों पर हमने पार्टी का भार सौंपा था, उन्होंने
उसका भली भांति निर्वाह किया और मैं देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि जब निर्णय हो गया कि अडवाणी जी अब हमारे अध्यक्ष होंगे, फिर भी जोशी जी ने इस अधिवेशन की तैयारी के लिए जो परिश्रम किया, लगातार अधिवेशन किस तरह से सफल हो, किस तरह से प्रस्ताव बनाए जाए, घंटों कार्य समिति में बहस होती रही, धैर्य से सुनते रहे। शायद विश्वविद्यालय का अनुभव उनके इस विषय में काम आया। आधी रात तक चर्चा चली। क्षमा करें, मैं अगर उनकी जगह होता तो कहता है कि भैया देखो, अब तो मैं अध्यक्ष नहीं रहने वाला हूं, ये आला माला अपनी संभालो। और अडवाणी जी अध्यक्षता नहीं स्वीकार करते इस समय तो कोई बात नहीं है, भंडारी जी तो हर समय हर काम के लिए तैयार रहने वाले हमारे नेता हैं, सहयोगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। अब ये कर्तव्य पालन के प्रति एक निष्ठा है और सचमुच में ये हमारा सम्मान है। हम कहते भी हम एक परिवार है, मैं इस समय वृहत परिवार की चिंता की चर्चा नहीं कर रहा, मगर भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी नहीं है, परिवार है। ये संस्था नहीं है, संस्कार है। जो अध्यक्ष है वो मुखिया है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को। और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं है, जो प्रदेश के अध्यक्ष यहां बैठे हैं, जिले के बैठे हैं, मंडल के बैठे हैं, उन पर भी लागू होती है। जो मुखिया है वो मुख को माध्यम बनाता है, मगर अपने पास एकत्र करके नहीं रखता। कैसा भी सुंदर भोजन हो, ये तय नहीं करता कि भोजन मेरे रास्ते से जा रहा है तो मैं उस पर रोक लूंगा, रुकावट लगा दूंगा। शरीर के सब अंगों को यथोचित संगठन के सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए और मुख के नाते विवेक की वाणी या आवश्यक हो वहां संयम, ऐसे मुखिया के नेतृत्व में हम लोग चलते हैं। मैंने कहा कि अडवाणी जी ने कठिन परिस्थिति में पार्टी की पतवार संभाली है। मैं कठिन परिस्थिति जानबूझ कर कह रहा हूं। कुछ हमारे मित्र हैं जो समझते हैं कि पकी पकाई तैयार है और केवल परोसने की और जीवने की देरी है। ऐसा नहीं है। हमने राजनीतिक प्रस्ताव में भी कहा है कि देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। हमारे सामने भी कठिनाइयां हैं, बड़ी मात्रा में हमें जनता का विश्वास अर्जित करने में सफलता मिली है, लेकिन हमें और भी आगे जाना है। देश के हर कोने में और भारतीय समाज के हर वर्ग में हमारी विश्वसनीयता बैठनी चाहिए। हम केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, तो सत्ता को एक माध्यम बनाकर हम इस देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। यह विश्वास उनके मन में पैदा होना चाहिए। जहां जहां और जब जब हमें शासन चलाने का अवसर मिला, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसे और भी बढ़ाना है। प्रदेशों की सरकारें किन कठिनाइयों में काम करती थी हम जानते हैं। उनके साधन सीमित थे, केंद्र का अनुचित हस्तक्षेप था, नौकरशाही के तंत्र में जंक लग गया,
और कहीं कहीं अनुभव की कमी भी हमारे रास्ते में रोड़ा बनी। अब ये सारी कमियां दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। केंद्र में अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो बहुत सी कमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन कुछ कमियों का संबंध हमारे अपने संगठन से है, हमारी अपनी तैयारी से है। अनुभव तो अनुभव प्राप्त करने से ही आएगा, लेकिन एक बात का विचार होना चाहिए कि हम में से बहुत कम लोग संसद में जा पाते हैं, विधायक बन सकते हैं, मंत्रियों की संख्या तो और भी कम होती है, लेकिन ये सारे पद प्राप्त होते हैं संगठन के कारण। लोग हमारी नीतियों में, हमारे कार्यक्रमों में आस्था रखकर हमें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उन नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन की होती है। संगठन का हरेक कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से संगठन को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो पिछले 50 साल से जूझ रहे, वो तो विधायक नहीं बने, संसद तक पहुंचने का उन्हें सौभाग्य नहीं मिला, मगर उनके मन में एक सपना है, एक संकल्प है, और वो हमारी पूंजी है। वो सपना जागृत रहना चाहिए। सत्ता की दौड़ में संगठन का विस्तार हुआ है, बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, 1 करोड़ सदस्य एक असाधारण घटना है। संगठन का चुनाव करने में हम सफल हुए, कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, हम उनका भी दखल ले रहे, उनकी भी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्ता का एक अपना चरित्र होता है और उस चरित्र को समझकर जब तक हम उसकी काट के लिए, उस पर हावी होने के लिए एक समानांतर चरित्र की रचना नहीं करेंगे तो कठिनाई पैदा होगी। जब हम कहते हैं कि हम और दलों से अलग हैं तो हम किस बात की ओर इशारा करते हैं? हमारे संगठन की कुछ विशिष्टता है, हमारा संकेत किस ओर होता है? छुटपुट घटनाओं के लिए भी अगर समाचार पत्र और बाकी के लोग हमें दोष देते हैं, जरूरत से ज्यादा दोष देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे बारे में उनकी जो धारणा है उसको कहीं ना कहीं ठेस लगती है। मुझे कांग्रेस के मित्र मिले, कहने लगे हमारे यहां तो मुझे चलता ही था, अब आपके यहां भी शुरू हो गया। आपके यहां क्यों चलता था? कहने वहां हमको छोड़ी, और हमारे समाचार पत्रों के मित्र भी कहते हैं कि भैया वो कांग्रेस को छोड़ी, और जगह चुनाव नहीं हो रहे, हमने कहा उनके यहां तो चुनाव भी नहीं हो रहे, कब हमें मालूम था, बोले उनके यहां नहीं हो रहे, उनको छोड़िए, तो हमको खाली पकड़िए, मगर उनकी अपेक्षाएं, और इन अपेक्षाओं के अनुरूप हमें अपने को सिद्ध करना होगा। इस समय हम कहीं सरकार में नहीं है,
लेकिन केवल सरकार प्रदेश की नहीं होती है, नगर पालिका भी एक तरह का शासन है। हम पंचायतों में हैं, हम जिला परिषदों में हैं, हम कई सहकारी समितियों में हैं। सत्ता केवल उस अर्थ में राजनीतिक सत्ता नहीं है कि आप जब तक प्रदेश की सरकार में नहीं है या केंद्र की सरकार में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होना भी आज सत्ता में भागीदारी का प्रमाण है, भागीदारी का संकेत। किसको हम समझे? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? लोग हमारी तरफ आशाओं से अपेक्षाओं से देख रहे हैं। जब सरकारें नहीं रहती और जब कोई राष्ट्रीय आंदोलन हाथ में नहीं है तब कार्यकर्ता क्या करें? सरकारें आ जाए तब क्या करें? जो मंत्री बन गए वो तो ठीक है, फाइलों में घिर गए, अफसरों की घेराबंदी में फंसे, लोगों से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाती, जगह जगह कार्यकर्ता रूठ जाती, वो मंत्री की कठिनाई नहीं समझते और मंत्री कार्यकर्ता की भावना नहीं समझता, मुश्किल पैदा होती है। लेकिन तबादले कराते घूमना यही तो काम नहीं है, ये बात अलग है कि तबादले एक उद्योग बन जाती है। अभी मैं गया था हिमाचल तो वहां लोगों ने बताया कि कांग्रेस के नेताओं के कहने पर सरकारी कर्मचारियों के अफसरों के इतने तबादले हो रहे हैं कि जो थोड़े से हमारी अनुशासन की नीतियों के कारण हमसे खिन्न हो गए थे वो कहते हैं कि भाई बीजेपी ने जो कुछ किया वो तो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए किया, मगर ये तो हमें इधर से उधर, उधर से इधर, यहां से वहां, वहां से यहां फेंक रहे हैं और लोगों की सिफारिशों पर फेंक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर से आना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इस समय सरकार में नहीं है इससे भी लाभ होने वाला है, ये ठीक है, हम ये लाभ लंबे समय तक नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति शासन में और हमारी 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 शासन की प्रणाली में तुलना करने का अवसर मिल रहा है और राष्ट्रपति का शासन और है तो वो परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का शासन, लेकिन लोगों को अंतर समझ में आ रहा है। प्रश्न यह है कि कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है, जो विधानसभा में नहीं है, जो एमपी नहीं है, वो क्या करे? मैंने कहा कि आंदोलन नहीं है फिर क्या करे? इसके लिए हमारे अनेक काम है और इसके लिए कार्यकर्ता की वृत्ति संघर्ष से, संघर्ष के लिए जूझने वाले कार्यकर्ता की वृत्ति भी चाहिए और एक विधायक रचनात्मक सृजनात्मक वृत्ति भी चाहिए। गांव में विद्यालय चल रहा है वो ठीक चलता है या नहीं चलता, अध्यापक आता या नहीं आता, बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, ये कौन देखेगा? स्कूलों का इंस्पेक्टर नहीं देख सकता, इंस्पेक्टर अध्यापक के साथ मिला हुआ है, दोनों मिलकर दस्तखत कर रहे हैं, तनख्वाह बांट रहे हैं। जनता जितनी जागरूक होना चाहिए नहीं, उसे भी जागरूक बनाने का हमारा दायित्व। तो स्वयं प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते, बच्चे विद्यालय में जाते हैं छोड़कर बैठ जाते हैं, विद्यालय का समय बदला जा सकता है, बैठने का स्थान नहीं है तो बैठने का स्थान प्राप्त कराया जा सकता है। विद्या भारत की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी काम कर रही है, हम उसमें सहायक हो सकते हैं, हम उस तरह का एक कार्यक्रम अपने क्षेत्र में खड़ा कर सकते हैं, कम से कम हम जागरूक रह सकते हैं। लड़कियां विद्यालयों में नहीं जा रही, कल अडवाणी जी ने इन प्रश्नों का उल्लेख किया था, जाना चाहिए।
प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कैसा चल रहा है, कितने गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचा, इसका हमको हिसाब है, मगर गांव में पानी पीने का कैसे पहुंचेगा, क्या सरकार सब करेगी? हम स्वावलंबी भारत की बात करते हैं तो स्वावलंबी भारत में समाज भी स्वावलंबी होना चाहिए और व्यक्ति भी स्वावलंबी होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि हम भारत को स्वावलंबी बनाने की बात करें और देश में ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें जन्म से लेकर श्राद्ध तक सारी चिंता शासन करेगा। अगर ये काम शासन पर छोड़ दिया तो शायद मुर्दे अर्ध अर्ध जलोर मरघट में रह जाएंगे। मरघट में गीली मकड़ी बिक रही है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है। समाज का स्वावलंबन फिर सामाजिक न्याय, इसकी हमने चर्चा की है, एक प्रस्ताव भी आएगा, मगर हमारे आचरण में हमारे व्यवहार में कितना सामाजिक न्याय प्रतिबिंबित होता है। भारतीय जनता पार्टी बिना जातिवाद का जहर पैदा किए हुए समाज में समता भी चाहती है और समरसता भी चाहती है, लेकिन इसकी कसौटी होती है जब कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है। यही है, और दलों की तरह से इसको राजनीतिक मोहरा नहीं बनाती, लेकिन ऐसे प्रसंग आ जाए तो कार्यकर्ता न्याय के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए और समझा बुझाकर लोगों को सही रास्ते पर लाने का उसे प्रयास करना चाहिए। वो पलायन नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि सारे इस मामले में चुप रहो, वोटों पर असर होगा, कुछ मामलों में वोट पर असर हो सकता है लेकिन क्षणिक होगा, तात्कालिक होगा, स्थायी नहीं होगा। और अगर समाज में अन्याय बनाए रखकर, जाति बनाए रखकर, क्रूरता बनाए रखकर हमने वोट अगर प्राप्त भी कर लिए तो फिर हम जिस समाज की रचना की बात करते हैं उसके निर्माण का वक्त कब आएगा? इसमें जूझने की थोड़ी सी मनोवृत्ति, मगर जैसा मैंने कहा दृष्टि रचनात्मक। हमारे कई मोर्चे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में ये आम शिकायत है, किसान महिलाओं का जितना सहयोग आपको लेना चाहिए आप नहीं ले रहे, ये बात सच है, यहां की संख्या बहुत कम है महिलाओं की, 50% वोट है, वोट को आप छोड़ भी दें तो देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, वंदन के लिए है, अभिनंदन के लिए है, मगर अधिवेशन के लिए नहीं है। कार्यक्रम के लिए नहीं है। तुम जरा रोटी तैयार रखो, हम आते हैं। कहां से आते हैं आप? आते क्यों, जाते क्यों, ये बताइए। जरा रसोई में आप भी लग जाइए और थोड़ा पकाने में मदद दीजिए और फिर दोनों खा के जाइए और आकर दोनों मिलकर प्लेट साफ करिए, थाली साफ करिए। जरा रसोई में आप भी लग जाइए और थोड़ा पकाने में मदद दीजिए और फिर दोनों खा के जाइए और आकर दोनों मिलकर प्लेट साफ करिए, थाली साफ करिए। अब और देशों में ऐसा होने लगा है, मगर ऐसा मजबूरी में क्यों हो? ये ठीक है, यहां मेहनत करने वाले बहुत हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा पैसा दीजिए, लोग आ जाएंगे, रसोई बना देंगे, बर्तन साफ कर देंगे, मगर जो नहीं कर सकते हो, जो घर में महिलाओं पर बोझा डालकर चली जाती है,
पहला मोर्चा केवल यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि वो कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इकट्ठा करता है, वो तो जरूरी है, लेकिन महिलाओं की कुछ और भी समस्या है। नौजवानों के प्रश्न है, परगणित जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, अल्पसंख्यकों के सवाल है। अगर लोगों को बड़े पैमाने पर साथ लाने का प्रयास नहीं होता है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस समय जैसे 2 साल पहले बड़ी संख्या में बाहर के लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए लालायित थे और फिर जुड़ रहे हैं, 6 दिसंबर के बाद मुस्लिम समाज में भी एक फिर से सोचने की प्रक्रिया शुरू हुई। दिसंबर की घटना से उन्हें धक्का जरूर लगा, लेकिन उनकी यह भी समझ में आ गया कि क्या सचमुच में राम मंदिर के निर्माण के सवाल पर भावना इतनी गहरी है, इतनी तीव्र है। एक मुस्लिम संगठन के नेता हम लोगों से मिलने के लिए आए थे कि साहब हमारे या हमारा आपका संवाद होना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए। हमने कहा हाँ जरूर मिलते जुलते रहना चाहिए, मगर कुछ कठिनाइयां हैं। कहने लगे कठिनाई क्या है? तो मैंने कहा कि शायद मैं ये समझता हूं कि आप भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, और अगर मैं कहूं कि मैं भारत का हिंदूकरण करना चाहता हूं तो संवाद के लिए आधार क्या है? कहने लगे ये नहीं, हम तो नहीं कहते कि हम इस्लामीकरण करना चाहते, हम तो कहते हैं हमें इस्लाम का पालन करने की छूट होना चाहिए। इसमें कौन सी रुकावट है? ये बात उनकी समझ में आ रही है। आज श्री जगमोहन जी कह रहे थे कि कश्मीर धारा 370 कश्मीर के आम आदमी को लाभ नहीं पहुंचा सकी, ये सच है, मगर उस आम आदमी को समझाया भी नहीं जा सका। आज मुस्लिम समुदाय को भी ये समझाने की जरूरत है कि बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे स्कूलों में जाओ, काम धंधों में लगो, और पुराने वातावरण में से माहौल में से निकलो। और दलों की इसमें रुचि नहीं है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नजर केवल वोट पर नहीं। मंडल कमीशन को लेकर काफी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मगर उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, आज से नहीं बरसों पहले तय हो चुका है, कल भी उस पर प्रकाश डाला गया। तो सर्वस्पर्शी कार्यक्रम लेकर हम राजनीति के मैदान में आए, तो संयोग की बात है कि अयोध्या का मामला गर्म हो गया, प्रतिभूति घोटाला शिरोमणि हर्ष मेहता के शब्द पर विश्वास कर और इसकी अखबार सरकार का समर्थन। और बाद में उसने लिखा है कि ये बीजेपी वाले शरारत पर आमादा है, इनको ठीक करो। असत्य में से सत्य कैसे निकल सकता है? इसमें भी जो 85 लाख की बात है वो नांदियाल के बाई इलेक्शन के लिए, क्या चुनाव के खर्च की सीमा सवाल ही नहीं? धन दे जाओ, चुनाव का बहाना बना के दे जाओ। अब प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे कि मैंने लिया या नहीं लिया, मिले या नहीं मिले, ये भी नहीं कह रहे हैं। उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है कि उन्हें याद नहीं है मिला कोई, मिला कि नहीं मिला। और कोई सज्जन न्यूयॉर्क में चले गए वो भी यही कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है जब मैं प्रधानमंत्री से मिला तो हर्षद मेहता मेरे साथ थे या नहीं थे, ये ठीक नहीं है। मैंने ये भी कहा कि मुझे दुख है सचमुच, भारत का प्रधानमंत्री, इतने महान देश का प्रधानमंत्री, और भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आकर एक बार फिर हटाया जाए, एक बार फिर, बड़े दुर्भाग्य की बात। लेकिन अब आंध्र वाले कहते हैं कि साहब आप इन्हें जानते नहीं हो, हम जानते हैं। हमने कहा तो पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग तो समझिए अच्छे आदमी है, पंडित आदमी है,
राजनीति से हटना चाहते थे, अपनी लाइब्रेरी भेज दी थी, बिस्तर बांध रहे थे, और राजीव गांधी की हत्या हो गई, लोगों ने नहीं आए। लेकिन अब जो रूप सामने आया है समझ में, लेकिन कसौटी पर हम भी कसे जा रहे हैं, और आने वाला काल हमें भी कसौटी पर कसेगा। और अगर उनका उनके दामन पर लगा हुआ बड़ा दाग लोगों का ध्यान आकृष्ट कर पाता है, तो हमारे यहां थोड़ी सी अगर कालिक भी मर गई, लोग माफ नहीं करेंगे, और हमारा अंतर्यामी हमें कभी माफ नहीं करेगा। और इसलिए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, जिसे मैं आपके विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस संबंध में अंतिम निर्णय करेंगे। चुनाव के लिए धन कैसे इकट्ठा किया जाए, काला धन आता है, उसका कोई हिसाब नहीं रहता, अलग अलग स्तरों पर आता है। काला धन देने वाले बड़े चतुर होते हैं, वो पार्टी को अलग देते हैं, उम्मीदवारों को अलग देते हैं, उनसे आगे काम निकलेगा इस आशा से देते हैं। चुनाव के लिए अगर धन की आवश्यकता हो तो हम केवल चेक से धन लेंगे और तरीकों से धन नहीं लेंगे। क्या हम ये निर्णय करने की स्थिति में हैं? केवल चेक से धन लिया जाएगा। हम पार्टी के स्तर पर जो रकमें इकट्ठी करेंगे, छोटी छोटी रकमें इकट्ठी करेंगे, थैलियां भेंट करेंगे, वो अलग है। अभी अडवाणी जी गए थे महाराष्ट्र में, स्थान स्थान पर उन्हें थैलियां दी गई, अच्छी रकम इकट्ठी हुई है। 85 लाख तो नहीं मुझे बताया, 50 लाख इकट्ठी हुई है। और किसी हर्षद मेहता ने नहीं दिया, छोटे छोटे लोगों ने दिया है, कार्यकर्ता उनके घर तक गए हैं। हमें धन भी चाहिए और हमें आपका मन भी चाहिए। अटल जी, नागपुर में 31 लाख भेंट किए गए, जिसमें से 20 लाख रुपए 101 और उससे कम राशि से प्राप्त हुए। बहुत अलग, 50,000 से अधिक लोगों ने इस 31 लाख की थैली में योगदान दिया। बताइए, वोट भी दो और नोट भी दो। ये खाली नारा नहीं रहना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब और तरह से धन आना बंद हो जाएगा। चेक से लोग दें, खुलेआम दें, हम खुलेआम लें, और बाकी की छोटी छोटी रकमें और उनका हिसाब रखें, उनका ऐलान करें। भ्रष्टाचार एक केंद्रीय मुद्दा बन गया है, और उस भ्रष्टाचार के गढ़ पर अगर प्रहार करना है, और अगर राजनीतिक जीवन में शुचिता का, पवित्रता का समावेश करना है, तो बेंगलोर से यह शंखनाद होना चाहिए कि हम काले धन के बल पर राजनीति नहीं करेंगे। एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना चाहिए, जूझ जाना चाहिए। केवल यही लक्ष्य कार्यकर्ताओं को एक नई स्फूर्ति से भर देना चाहिए। यह जनसंपर्क का भी एक तरीका है, घर घर हम जाकर पैसा इकट्ठा करेंगे, उससे लड़ेंगे। पैसा कम होगा तो कम खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, नहीं तो हम भी ज्यादा खर्च करते जा रहे हैं। 57 में पहली दफा चुनाव लड़ा, हमारे पास 2 जीपें थी, एक तो पार्टी ने दी थी और एक स्थानीय आधार पर इकट्ठी कर ली थी, और लड़ गए और जीत गए। अब कितना जीपों का काफिला चलता है बताने की जरूरत नहीं है। ये जड़ जड़ पर उठाना घात होना चाहिए, और हम कर सकते हैं। कम से कम हमें इस करने का प्रयास तो करना चाहिए, यह संकल्प लेकर यहां से वापस जाना चाहिए। मैं जानता हूं कुछ कार्यकर्ता कहेंगे बड़ी कठिनाई है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, यह निर्णायक घड़ी है, इसमें धन कम नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ना चाहिए, आज जोड़िए धन, मगर धन थोड़ा कम पड़ जाए तो प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके हमारे इतिहास का पन्ना पलट देंगे, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। हम सबसे अलग हैं, इससे बड़ी बात और लोगों के ध्यान में कोई नहीं आता।
आप इस पर और मंथन करिए, चर्चा करिए। समाप्त करने से पहले एक बात मैं और कहूंगा, हमने विधानमंडलों के लिए, संसद के लिए एक आचार संहिता बनाई है, उसका पालन नहीं हो पा रहा है। हमारे सांसद, हमारे विधायक कुएं में कूद जाते हैं, जंप इनटू द वेल, सीट छोड़ देते हैं, फिर कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, हाथापाई की नौबत हो जाती है, अध्यक्ष महोदय कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं। क्या ये जरूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? क्या किसी सवाल को धमाके से उठाने का यही तरीका है? ये तरीका नहीं। और राजनीतिक दल करते हैं, ये बात सच है। अब उन्हें हम अपने समकक्ष में रखें, दूसरे दिन शायद कम खबर छपेगी, थोड़ी कम छपेगी, और कार्यकर्ताओं को रहना भी सुनना पड़ेगा। अब जेपीसी में हमारे सदस्यों ने इतना काम किया है, ये बात अलग है कि उन्होंने मर्यादा तोड़कर अखबार वालों को इधर उधर से खबरें नहीं दी, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए उस आचार संहिता का ठीक तरह से पालन हो, इस पर सब विधानमंडलों के हमारे सदस्य, संसद के सदस्य भी विचार करें, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, देश परिवर्तन के लिए तैयार है, हम पर भारी जिम्मेदारी आने वाली है, हम तैयार हैं या नहीं, जरा अपना हृदय टटोल कर देखें। स्थिति ऐसी उत्पन्न होने वाली है कि हम अगर जिम्मेदारी से भागना भी चाहें तो कोई हमें भागने नहीं देगा, लोग संभालो। और उस घड़ी में देश की आशाओं को, अपेक्षाओं को पूरा कर सके, इस तरह का मन बनाकर, संकल्प करके यहां से हमें जाना चाहिए। और बहुत धन्यवाद।